आज हम दो तरह के नमकीन बनाकर तैयार करेंगे। एक मसालेदार चटपटा काजू नमक पारे बनाएंगे और एक भागरवाड़ी बनाकर तैयार करेंगे। दोनों नमकीन एक से बढ़कर एक है, दोनों बहुत ही चटपटा नमकीन लगता है खाने में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भागरवाड़ी बनाकर तैयार करेंगे। भागरवाड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। तो मैंने यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया है। 3 चम्मच इसमें हम बेसन डालेंगे। बेसन से बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है। आधी छोटी चम्मच अजवाइन, तो अजवाइन को हाथ पे क्रश करके डालें। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ नमक डाला है। 1/4 कप ऑयल ले लेंगे। तो ऑयल मैंने अभी पूरा नहीं डाला है, थोड़ा सा डाला है। पहले मिक्स करके इसे बांध कर देखेंगे। तो ये अच्छी तरह से अभी नहीं बन रहा है, तो बचा हुआ जो तेल है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पर 1/4 कप तेल लिया है। अब इस तरह से बांध कर देखें, तो ये देखिए अच्छी तरह से बंध रहा है, इसका मतलब तेल इसमें परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक डो तैयार करना है। तो डो हमें सख्त तैयार करना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखेंगे, हल्का सा सख्त डो तैयार बनाकर करेंगे। तो ये देखिए हल्का सख्त डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम भागरवाड़ी के लिए मसाला बना लेंगे। जार में 1 चम्मच तिल डालेंगे, 1 चम्मच नारियल का बुरादा, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच चीनी, 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब सभी को हम फाइन पीस लेंगे। तो मसालों को मैंने पीस के एक बाउल में निकाल लिया है। तो मसाला रेडी है। आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुका है, तो इसे मसाल के हम सॉफ्ट कर लेंगे। आटा को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो आप इसे थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा बड़ा सा कट किया है और इसे हमें पतला बेल लेना है। और देखिए इसे मैंने बेल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना पतला और कितना मोटा मैंने बेला है। इसी तरह का बेल के तैयार कर लें। अब इस पर हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे और अच्छी तरह से फैला लेंगे। किनारों पे हम थोड़ा सा साइड से जगह छोड़ देंगे। तो इसे फैलाने के बाद इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। तो साइड से मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है। मसालों को भी अच्छी तरह से पूरे चटनी के ऊपर फैला लेंगे, बेलन से बेल देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। किनारों पर पानी लगा लेंगे। तो चारों तरफ से मैंने पानी लगा लिया है ताकि जब इसे हम फोल्ड करें तो ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। अब साइड से उठाते हुए इसे हमें रोल कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे, घुमाते हुए हल्का सा लंबा कर लेंगे। चाकू से दोनों किनारों को हल्का हल्का कट करेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, तो इस तरह से कट कर लें। और देखिए आप इसकी लेयर देख सकते हैं, कितनी अच्छी लेयर बनी हुई है। तो सभी भागरवाड़ी इसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। हथेली से हल्का से दबा देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, बस हल्का हाथों से, तो हल्के हाथों से ही दबाएं। यहाँ तेल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था, तेल गर्म हो चुका था। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाए एक एक करके भागरवाड़ी डालेंगे, जितना भागरवाड़ी इसमें आ सके। स्टार्टिंग में तेल थोड़ा सा गर्म रखें। भागरवाड़ी डालने के बाद फ्लेम को हम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि भागरवाड़ी में अच्छा सा कलर ना आ जाए। भागरवाड़ी गोल्डन कलर का हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह सारे भागरवाड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। और सारे भागरवाड़ी बनकर तैयार हो गए हैं। तो टेस्टी टेस्टी भागरवाड़ी तैयार है और इसकी लेयर देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है। बहुत ही क्रिस्पी भागरवाड़ी बनकर तैयार होता है, चटपटा, खट्टा, मीठा, थोड़ा तीखा, बहुत ही चटपटा लगता है। भागरवाड़ी तो बनकर तैयार हो गया है, तो अब हम बनाएंगे मसालेदार काजू नमक पारे। तो चलिए बनाते हैं। मसालेदार काजू नमक पारे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। 2 चम्मच इसमें हम सूजी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को क्रश करके डालें, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग डालें, 1/4 कप इसमें हम तेल डाल देंगे,
तो मिक्स करें। तेल इसमें इतना रहना चाहिए कि जब इसे हम बांधे तो इस तरह से बंधना चाहिए, लड्डू जैसा बनना चाहिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हल्का सा सक डो बना लगा के तैयार करेंगे। तो हल्का सा सक डो लगाएं। आटा यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो हल्का सा मैंने सख्त आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब इसे ढक के हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुका है, आटा को एक बार मसलते हुए सॉफ्ट कर लेंगे। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लोई लिया है, आप इसके छोटे छोटे भी थोड़ा कर सकते हैं अगर बेलने में दिक्कत हो रही है तो। अब इसे हमें बेल लेना है, तो थोड़ा मोटा बेलेंगे, पतला नहीं ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मोटा बेल लिया है। मैंने यहाँ पे दवा का ढक्कन ले लिया है। इस तरह का कोई भी जो गोल ढक्कन या कटर हो आपके पास तो वो आप ले सकते हो। आप हाफ हाफ इस तरह से करते हुए हम इसे कट कर लेंगे ताकि इसमें काजू का आकार आ जाए। देखिए कितनी अच्छी काजू का आकार आ रहा है। और इसी तरह से कट करते हुए हमें सारा काजू का डिजाइन दे देना है। बहुत ही आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जो भी एक्स्ट्रा आटा बच जाता है उसे हम आटे में मिक्स कर लेंगे और इसे भी बेल लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे काजू का डिजाइन बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। जब भी आप इसे तेल में डालें तो ध्यान रखें कि तेल अच्छा गर्म रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में कर देंगे या मीडियम कर देंगे। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और नमक पारे में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर इसमें हल्का सा तेल भी आ जाए तो कोई बात नहीं। जब इसमें हम ऊपर से मसाला डालेंगे तो इसमें हल्का सा तेल रहता है तो वो चिपक जाता है। इसी तरह हम सारे काजू नमक पारे बनाकर तैयार कर लेंगे। काजू नमक पारे को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे कुछ चटपटा बनाने के लिए इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच काला नमक, एक छोटी चम्मच चाट मसाला या अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला नमक आप अपने हिसाब से भी इसमें डाल सकते हैं, जितना खट्टा और नमकीन खाना पसंद करते हैं। मसाले को गर्म में ही डालें, ठंडा होने के बाद ना डालें। गर्म में ये मसाले अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो टेस्टी टेस्टी मसालेदार काजू नमक पारे और भाकरवड़ी बनकर तैयार है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।